सो नाउ लेट अस स्टडी समथिंग अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी कंपाउंड जनरेटर। सो आपने देखा कि मेरे जो शंट जनरेटर थे उसमें वोल्टेज जो है वो ड्रॉप कर रही थी, इस तरह से था ना। और सीरीज के केस में आप देख रहे थे सीरीज जनरेटर में क्या था, टर्मिनल वोल्टेज जो है इंक्रीज कर रही थी, इट वॉज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू लोड करंट, इट वॉज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू लोड करंट। इसका मतलब सीरीज जनरेटर जो है दैट कैन कंपनसेट द डिक्रीज इन वोल्टेज। समझ में आ रही बात आपको? मतलब शंट जनरेटर में क्या था, आपकी जो वोल्टेज थी वो ड्रॉप करती थी ना, जैसे जैसे लोड करंट बढ़ता वैसे वैसे ऐसी करेक्टरिस्टिक आती थी। सीरीज जनरेटर की करेक्टरिस्टिक आपने देखी वो ऐसी जा रही थी, दैट मीन्स आपकी जो वोल्टेज थी वो इंक्रीज हो रही थी लोड करंट के साथ। इसका मतलब सीरीज जनरेटर क्या कर रहा है, बेसिकली वो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है। तो अगर सीरीज और शंट जनरेटर दोनों कंबाइंड लगेंगे दैट मीन्स वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी सीरीज वाइंडिंग उसको कंपनसेट कर देगी। ओके क्लियर है? सो वोल्टेज जो डाउन हो रही है सीरीज वाइंडिंग लगी हुई है वो उस वाइंडिंग को वो उस वोल्टेज को कांस्टेंट लाने की कोशिश करेगी। राइट अब सीरीज वाइंडिंग किस तरह से कनेक्टेड है आपको पता है वो, कि हमने देखा था डिफरेंशियल कंपाउंड थे और कम्युनिटी कंपाउंड थे, सीरीज वाइंडिंग शंट वाइंडिंग को अगर एड करती है तो क्या रीजन था, और सीरीज वाइंडिंग शंट वाइंडिंग प्लस को कट करती है तो क्या था। राइट सो अब यहाँ पे मैं डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स बनाता हूँ और उसको हम एक वन बाई वन वी मैंशन दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। सो यहाँ पे आई विल ड्रॉ तो यहाँ पे मैंने कंपाउंड जनरेटर की करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरीज वाइंडिंग जो है वो वोल्टेज को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगी और जो शंट वाइंडिंग है वो वोल्टेज को ड्रॉप करवाती है। राइट सो इसीलिए हमारी जर्नली क्या है कि आपकी जो वोल्टेज है वो नियरली कॉन्स्टेंट रहने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर मैंने तीन चार डायग्राम आपको बताया। जैसे सबसे पहले जो है कर्व वन है, ठीक है, कर्व वन क्या कर रही है देखो आप। अब इसमें जो सीरीज वाइंडिंग है, ठीक है, वो इस तरह से है कि फुल लोड पे, ठीक है, वो आपके जो आपकी वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रख रही है। सो सीरीज वाइंडिंग जो है आपकी वो इस तरह से इफेक्ट कर रही है कि आपकी नियरली जो जो आपकी कर्व वन, ठीक है, इट शोस इट शोज एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स इन विच सीरीज वाइंडिंग और सीरीज एक्साइटेशन वी कैन से सीरीज एक्साइटेशन इज सच दैट the terminal voltage remains practically constant, curve one, right, ठीक है। अब now इसमें curve two है आप देखें, so what is curve two? सो इसमें हम देख लेते हैं कर्व टू जो है आपका, एक्सटर्नल रिप्रेजेंट एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स
इंडिकेट्स राइज इन टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब जब सीरीज वाइंडिंग इस तरह से लगी हुई है, सीरीज वाइंडिंग की एक्साइटेशन ऐसी कि टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ा दे रही है ये, क्योंकि देखो शंट जनरेटर तो आपका वोल्टेज को डाउन कर ही रहा है, तो सीरीज वाइंडिंग आपके वोल्टेज को बढ़ा रही है बेसिकली। सो वो कितना बढ़ा रही है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट रख रही है तो ये करवाएगी, अगर वो बढ़ा रही है तो सेकंड कर्व दिखा रही है। ठीक है, अब कर्व थ्री देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, ओके। सो ये जो तीन कर्व्स हैं, ये तीन कर्व्स एक्चुअली जो है वो हम लोग के जनरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि जनरेटरों का नाम क्या होगा। जैसे कि कर्व पहली है, ये कहता है ये हमारी जो सीरीज वाइंडिंग की एक्साइटेशन इस तरह से है कि ये वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहा है। सो इस तरह की जो हमारे जनरेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लेवल कंपाउंडेड जनरेटर्स। कर्व वन लेवल कंपाउंड मीन वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखें। कर्व टू अगर आप देखें तो ये कर्व टू क्या कर रही है, बढ़ा रही है। सो ये इस टाइप के जो जनरेटर होते हैं उनको हम बोलते हैं ओवर कंपाउंडेड। ठीक है, और जब आपकी कर्व थ्री है, जब आपकी वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, इसको हम बोलते हैं अंडर कंपाउंडेड जनरेटर्स। अब ये तीनों ही जनरेटर्स में क्या है, जो सीरीज वाइंडिंग थी वो एड कर रही थी वोल्टेज को, राइट। मतलब फ्लक्स इस तरह से था, फ्लक्स एडिटिव था, राइट। सो ये तीनों एग्जांपल जो थे हमारे किस तरह के कंपाउंडेड थे, कॉम्युलेटिव कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें हमारी जो सीरीज वाइंडिंग है शंट वाइंडिंग की करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो एड करता है, आपको मैंने पहले बताया था, राइट। नाउ कम्स टू कर्व फोर। कर्व फोर में क्या है कि जो सीरीज वाइंडिंग है सीरीज वाइंडिंग जो है इज अपोजिंग शंट वाइंड। तो नेचुरल शंट वाइंडिंग को अपोज कर रही है, इसका मतलब शंट वाइंडिंग ऑलरेडी डाउन कर रही थी, तो सीरीज वाइंडिंग उल्टा उसको अपोज कर रही, तो वो और ड्रूप कर जाएगा और वो आपका जो है कर्व फोर कर रहा है। ठीक है, सो कर्व फोर है आपके जो डिफरेंशियल कंपाउंड का एग्जांपल कर्व शो कर रहा है। तो आई एम श्योर कि आपको ये सारे लेवल कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड के जो कर्व्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। ठीक है, यू कैन जस्ट मिस द देयर यू कैन सी जो मैं लिख रहा था, लेवल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट चीज नेक्स्ट पढ़ेंगे।